हम सब उम्मीद करते हैं सब अच्छी होंगी, स्वस्थ होंगे। तो बच्चों आज मैं जो पढ़ने जा रही हूँ वह हम पढ़ेंगे आज हिंदी मेन बुक पढ़ेंगे, तो आप सब ये बुक निकालिए। तो आज हम हिंदी मेन बुक में पार्ट दो पढ़ने जा रहे हैं। तो पहला पार्ट हम क्या पढ़े थे, पहला पार्ट में हम पढ़े थे वे मुस्कुराते फूल नहीं, जो कि कविता था, बहुत प्यारा कविता था, जिसमें कवित्री महादेवी वर्मा ने क्या बताया कि वे मुस्कुराते फूल नहीं हो सकते हैं जिसने मुरझाना ना सिखाओ, वे नीलम के मेघ नहीं हो सकते हैं जिसने अपने जल को त्यागना ना सीखा हो, जिसके जल क्या करते हैं जिसमें मर मिटने की चाह ना हो, वे अनंत बसंत नहीं हो सकता है, ऋतुराज नहीं हो सकता है जिसने आने के बाद अपने जाने की राह ना दिखी हो, तो वे प्राणों को भी सेज नहीं हो सकता है जिसमें विस्तृत पीड़ा ना हो। तो उस पाठ में, उस कविता में हमने क्या देखा कि हम मनुष्य के जीवन में उतार चढ़ाव आते रहता है। तो यदि आज हमारे पास गम है तो फिर खुशियाँ भी होगी, यदि आप मीठा नहीं खाओगे तो आपको नमकीन का स्वाद का पता नहीं चलेगा, यदि आप नमकीन नहीं खाओगे तो मीठे का स्वाद का पता नहीं चलेगा। तो उस पार्ट में हमने क्या देखा कि यदि आप आज खुश हो तो कल हमें गम के भी आंसू बहाने पड़ेंगे। तो हमारे जीवन में सुख दुख का आना जाना लगा रहता है, जिसे यदि हम लोग दुख के दिन से नहीं गुजरेंगे तो सुख के दिन का अनुभव नहीं होता है। तो बहुत ही अच्छा कविता दिया गया था। तो आज हम जो पढ़ने जा रहे हुआ है आपका पार्ट दो, मेरा भारत महान। तो मेरा भारत महान जो है सही में महान है। तो क्या है कि हमारा जो भारत है वो सच में महान देश है, और हमें खुशी है, हमें गर्व है कि हम एक भारतीय हैं और भारत देश में रहते हैं, क्योंकि हमारा देश एक ऐसा देश है जहाँ पर नाना प्रकार के लोग रहते हैं, उनकी अलग धर्म होती है, अलग जाति होती है, अलग भाषाएं होती है, उसके बावजूद भी हम सब एक हैं। हम सब क्या करते हैं, एक दूसरे के साथ मिलजुल के रहते हैं। तो आज हम लोग इस पाठ में पढ़ने जा रहे हैं जिसमें दिया हुआ है मेरा भारत महान, और महान कैसे है, किन कारणों से है, तो इसमें एक झलक दिया गया है जिसे आज हम लोग पढ़ेंगे। तो आप सभी अपना हिंदी बुक निकालिए और पार्ट दो देखिए जो दिया हुआ है मेरा भारत महान, पेज नंबर है 8। भारत एक प्राचीन देश है। प्राचीन का अर्थ होता है पुराना। तो हमारा जो भारत देश है कैसा देश है, नवीन देश है, नहीं प्राचीन देश है, पुराना देश है। इसके उत्तर में हिमालय पर्वत रक्षक की तरह खड़ा है। तो हमारे भारत के उत्तर में क्या है, हिमालय है, जो एक रक्षक की तरह क्या है, खड़ा है। दक्षिण में हिंद महासागर इसके पथ पखारता है, और हमारे भारत के दक्षिण में क्या है, हिंद महासागर है। ऐसा लगता है कि मालूम हमारे भारत क्या करे, पद यानी पैर को धोता है। पूर्व में ब्रह्म देश और पश्चिम में अरब सागर इसकी सीमाओं पर स्थित है। इस भौगोलिक एकता ने हमारे देश को 5000 वर्षों में एकता की डोरी से बांध रखा है। यहाँ अनेक भाषाओं को बोलने वाले, अनेक धर्मों को मानने वाले तथा अनेक जातियों के लोग मिलजुल कर एक साथ रहते हैं। अनेकता में एकता हमारे देश की सबसे बड़ी विशेषता है। तो आपने क्या देखा कि हमारे देश में अलग अलग धर्म के लोग रहते हैं, अलग अलग जाति के लोग रहते हैं, उनके खान पान वेशभूषा सब कुछ अलग होने के बावजूद भी सब क्या है, एक है। और अनेकता में एकता हमारे देश की सबसे बड़ी विशेषता है। अनेकता में एकता हमारे देश की क्या है, सबसे बड़ी विशेषता है। यह एकता वैदिक काल से चली आ रही है। ये जो एकता है, अनेकता में एकता कब से चली आ रही है, वैदिक काल से चली आ रही है। वेदों में भूमि को माता और भूमि के निवासियों को उसका पुत्र कहा गया है। तो वेदों में जो भूमि है, जो जमीन है, उसे क्या बोला गया है, माता। हम नहीं बोलते हैं मातृभूमि, तो भूमि को माता बोला गया, और भूमि के निवासी यानी जो इस भूमि पर रहते हैं उनको पुत्र कहा गया है। इस प्रकार यहाँ के निवासियों का धरती से माँ बेटे का संबंध है। तो हमारे भारत देश में जो भी रहते हैं, तो हमारे भारत की जो भूमि है, तो उनके साथ उस पर रहने वाले लोगों का क्या रिश्ता है, माँ बेटे का रिश्ता है। इसलिए हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, पारसी, बौद्ध आदि धर्मों एवं जातियों के लोग यहाँ एक साथ रहते हैं। इसी कारण क्या है, यहाँ पे अलग अलग धर्म के, अलग अलग जाति के लोग साथ साथ रहते हैं। पुराणों में भी भारत भूमि की प्रशंसा की गई है। तो वेदों के अलावा जो पुराणों हैं उसमें भी हमारे भारत देश की प्रशंसा की गई है, उसके गुणों का गुणगान किया गया है। कहा गया है कि यह भूमि स्वर्ग से भी बढ़कर है। हमारे जो भारत देश की भूमि है वह स्वर्ग से भी बढ़कर है। वे लोग धन्य है जो यहाँ जन्मे।
देवता भी स्वर्ग को छोड़कर इस धरती पर अवतार लेने की कामना करते हैं। तो हमारा जो देश है तो वह किसी स्वर्ग से कम नहीं है, जिसके कारण क्या है, जो देव है भी यहाँ पे अवतरित होने का क्या करते हैं, कामना करते हैं। यहाँ राम और कृष्ण अवतरित हुए, जिससे आप जानते हैं कि शिव भगवान और कृष्ण हमारे भारत देश में क्या हुए हैं, अवतरित हुए हैं। इतना ही नहीं, भारत के प्रत्येक प्रदेश में महान आचार्य और संत हुए। इसके अलावा जितने भी महापुरुष है, जितने भी संत है, कबीर हुए, हमारे भारत में ही जन्मे हैं। यहाँ शंकराचार्य, पोतना, कम्बन, ज्ञानेश्वर, शंकरदेव, चैतन्य, बुद्ध, महावीर, मीराबाई, नरसिंह मेहता, गुरु नानक, सूर, तुलसी, कबीर आदि महापुरुष हुए हैं। यद्यपि ये लोग अलग अलग प्रदेशों में हुए, तथापि इन्होंने अपने आप को भारतीय माना। जिससे आप लोग जानते हैं कि हम लोग भारत देश के अलग अलग प्रदेशों में होते, उसके बावजूद भी क्या है, हम भारतीय हैं। तो ये जितने भी महापुरुष हैं जिनके नाम आप लोग यहाँ देख रहे हैं, ये अलग अलग प्रदेशों में जन्मे हैं, फिर भी ये अपने आप को क्या मानते थे, भारतीय मानते थे। इन्होंने सारे देश को सत्यशील और सदाचार का उपदेश दिया। इन महापुरुषों के उपदेशों के कारण ही यह देश आज तक एकता की डोरी में बंधा हुआ है। तो इनके सत्यशील और सदाचार के उपदेश के कारण ही हमारा जो भारतवर्ष है, हमारा जो देश है, आज भी एकता की डोरी में क्या है, बंधा हुआ है। प्रकृति की भी हमारे देश पर असीम कृपा है। जो प्रकृति यानी जो कुदरत है, उसकी भी हमारे देश पर बड़ी कृपा है। यहाँ गंगा, यमुना जैसे अनेक बड़ी नदियाँ, सतपुड़ा, विंध्याचल जैसे पहाड़, हरे भरे चरागाह, गहन जंगल और विशाल समुद्र तट है। सूर्य की धूप, चंद्रमा की चांदनी भी इसे भरपूर मिलती है। छह ऋतुओं के चक्र और वर्षा का भी इसे भरपूर लाभ मिलता है। परिणाम स्वरूप हमारा देश धन धान्य से परिपूर्ण है। तो हमारा देश ही एकमात्र ऐसा देश है जहाँ पे सभी चीज का होते हैं, भरपूर मिलते हैं। हमारे देश का प्राचीन नाम आर्यवर्त था। हमारा देश का जो प्राचीन यानी जो पुराना नाम था क्या था, आर्यवर्त था। बाद में भरत नाम के चक्रवर्ती राजा के नाम पर इसका नाम भारत हुआ। तो सबसे पहले जो हमारे देश का नाम था आर्यवर्त था, जो बाद में चलकर भरत नाम के एक बहुत ही चक्रवर्ती राजा थे, जिनके नाम पर इसका क्या नाम रखा गया, भारत हुआ। ईरान और अरब के लोगों ने हमारे देश का नाम हिंद रखा। फिर बाद में ईरान और अरब के लोगों ने हमारे देश का क्या नाम रखा, हिंद रखा। आगे चलकर अफगानिस्तान, बलूचिस्तान की तरह हमारे देश का नाम भी हिंद से हिंदुस्तान हो गया। तो हिंद से हमारा देश क्या हो गया, हिंदुस्तान हो गया। अंग्रेजों ने इसे इंडिया नाम दिया और अंग्रेजों ने हमारे भारत देश का क्या नाम दिया, इंडिया नाम दिया। आधुनिक काल में महात्मा गांधी, विश्वकवि रविन्द्रनाथ ठाकुर और स्वामी विवेकानंद जैसे महापुरुषों ने इस देश की कीर्ति पताका विश्व में फहराई है। तो बाद में चलकर यानी आधुनिक युग में महात्मा गांधी, विश्वकवि जो रविन्द्रनाथ टैगोर हैं, स्वामी विवेकानंद हैं, इन्होंने हमारे देश की कृति पताका क्या क्या है, पूरे देश में लहराया है। सन 1947 में आज़ाद हो जाने के बाद भारत दिन दूनी रात चौगुनी प्रगति कर रहा है। तो आप लोग जैसे जानते हैं कि हमारे देश पर किसका राज था, अंग्रेजों का राज था। तो 1947 में हमारा देश आज़ाद हुआ, उसके बाद यह दिन पर दिन क्या करते गया, प्रगति करते गया, और आज भी हमारा देश प्रगति कर रहा है। यहाँ बड़े बड़े बांध बने हैं, नए कल कारखानों, उद्योग धंधे स्थापित हुए हैं, निरक्षरों को साक्षर बनाया जा रहा है। जैसे कि आप लोग जानते हैं बहुत पहले क्या होता था कि लोग उतने शिक्षित नहीं होते थे, यहाँ तक कि बहुत ही कम लोग क्या होते थे, शिक्षित होते थे। लेकिन आज के डेट में क्या है, सभी साक्षर हो रहे हैं, सभी शिक्षित हो रहे हैं। इससे देश में नई चेतना और नवजीवन का संचार हुआ है। तो इससे क्या हुआ है, जब लोग दिन पर दिन क्या हो रहे हैं, साक्षर बनते जा रहे हैं, तो इससे हमारे देश में क्या हो रहा है, नई चेतना और नवजीवन का संचार हुआ है। विश्व में भारत के प्रति मान सम्मान और सद्भाव उत्पन्न हुआ है। तो विश्व में भारत के प्रति क्या हुआ है, मान सम्मान व सद्भाव उत्पन्न हुआ है। भारत की एक विशेषता यह भी है कि वह समय के साथ कदम से कदम मिलाकर चल रहा है। विश्व में ज्ञान विज्ञान का जो विकास हुआ है, उसे अपना कर भारत निरंतर प्रगति के पथ पर अग्रसर हो रहा है। तो आप लोग देख रहे हैं कि दिन प्रतिदिन क्या हो रही है,
ज्ञान विज्ञान जो है उसका आविष्कार होते जा रहे हैं, तो हमारा भारत भी इससे पीछे नहीं है, वो भी कदम से कदम मिलाकर क्या हो रहा है, आगे बढ़ रहा है। वह दिन दूर नहीं जब भारत की गणना विश्व के अग्रगण्य राष्ट्रों में होगी। पूरे विश्व को नीड और पूरी वसुधा को कुटुंब मानने वाला तथा सब धर्मों का आदर करने वाला मेरा भारत महान था, महान है और महान रहेगा। तो हमारा जो देश है वो ऐसा देश है जहाँ पे अलग अलग धर्म जाति के लोग होने के बावजूद भी क्या हो रहा है, सब एक समान है। तो हमारा देश महान था, महान है और हमेशा महान रहेगा। तो आप लोग ये जो पाठ दिया हुआ है मेरा भारत महान, इसे अच्छे से रीड कीजिएगा। इसमें जो शब्दार्थ दिया गया है यानी जो शब्दों का अर्थ है वह है, पखारना का अर्थ होता है धोना, नितांत का अर्थ है एकदम पूरी तरह, अवतरित का अर्थ होता है उतार लेना, तथापि का अर्थ होता है तो ही, असीम का अर्थ होता है अपार, जिसकी कोई सीमा ना हो उसे असीम बोलते हैं, परिपूर्ण का अर्थ होता है भरा पूरा, निरक्षर का अर्थ होता है अनपढ़, जिससे अक्षर का ज्ञान ना हो। तो आप लोग इस पाठ को ध्यान से पढ़िएगा और जो शब्दार्थ है उससे भी आपको याद करना है, और कोई भी डाउट हो तो आप लोगों को क्लास में पूछना है। उसके बाद इसमें जो अभ्यास कर दिए गए हैं उससे हम लोग क्लास में करेंगे। ठीक है, बाय बच्चों, नमस्ते।